गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों को जो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड मैंने क्लियर किया है, चैप्टर नंबर सेकंड में अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसमें दो तरह की खेती मैंने आपको, खेती के प्रकार है चैप्टर नंबर सेकंड, तो उसमें जो दो तरह की खेती मैंने आपको एक्सप्लेन की है, पहला है विशिष्ट खेती, ठीक है, और दूसरा है शुष्क खेती। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आपकी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट खेती जो बची हुई है मिश्रित खेती, सिंचित खेती, रैंचिंग खेती और जैविक खेती, ठीक है। आप लोगों को ये टॉपिक्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहली चीज है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती बेसिकली क्या होती है कि जब हम खेती तो कर ही रहे हैं, हमारी कृषि जो है, कृषि का काम तो हम कर ही रहे हैं, साथ में पशुपालन भी करने लगे, ठीक है। याद रखने का तरीका ये, मिश्रित यानी मिक्स, तो हम दोनों चीजें मिक्स कर रहे हैं। क्या क्या? एक तो आप खेती भी कर रहे हो और पशुपालन भी कर रहे हो। उससे क्या होगा, जब हम खेती करते हैं तो हमारी फसल तो उगी रही, साथ में कुछ खरपतवार होती है, तो उन खरपतवार का उपयोग हम किस लिए कर लेंगे, पशुओं को पालने के लिए। तो खेती करना और पशुपालन करना दोनों चीजें अगर एक साथ की जाए तो उसे क्या कहेंगे, मिश्रित खेती, ठीक। इसके लाभ भी हैं, हानियां भी हैं। पहला लाभ तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब दो चीजें एक साथ, तो उसका आर्थिक फायदा भी हमें मिलता है, पैसे से जुड़ी जो हमारी समस्याएं वो जल्दी पूरी हो जाती है। तो इसीलिए मिश्रित खेती जो होती है वो आवश्यक है और अच्छी भी है। बात करते हैं कि बुक में लिखा मिश्रित खेती क्या होती है। मिश्रित खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित खेती इस सिद्धांत पर आधारित है कि पशुपालन से प्राप्त आय कुल आय की कम से कम 10% होनी चाहिए। मतलब आप जितना उससे इनकम कर रहे हैं, फसल और पशुपालन दोनों से मिलाकर, उसमें से पशुओं से मिलने वाला जो भाग है वो 10% तो होना ही चाहिए, और 40% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, वरना आपका सबसे ज्यादा ध्यान पशुपालन पे लग गया, कृषि में तो रहा ही नहीं, ठीक है। तो 10-40% तक हमारी जो इनकम है वो किससे होनी चाहिए, पशुपालन से, ठीक। अब बात करते हैं मिश्रित खेती से तात्पर्य क्या है। फसल उत्पादन का कार्य और पशुपालन, जैसे पशुपालन में क्या क्या आ गया, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुकर पालन, गाय जो है उनको पालना, भैंस पालना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रित खेती से क्या क्या लाभ है। मिश्रित खेती से पहला लाभ लिखा हुआ है, फसल एवं पशुपालन से परिपूरक संबंध होने के कारण फॉर्म की उत्पादन क्षमता एवं आय बढ़ जाती है। आप जो फॉर्म या खेती कर रहे हैं उसकी आय को बढ़ाने का काम सबसे पहले ये चीज करते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं कि मिश्रित खेती में फसल और पशु, फसल उत्पादन और पशुपालन एक साथ होने से आर्थिक आय में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पशुओं के मल त्याग से बनी जैविक खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है तथा जैविक खाद को प्रोत्साहन मिल जाता है, ठीक है। क्या होगा, जब आप पशुओं को पालेंगे तो उनके मल मूत्र से, गोबर से हम खाद बना सकते हैं, जैविक खाद, और जैविक खाद का उपयोग हम हमारी फसल के लिए कर सकते हैं। अगला लाभ, फार्म पर उपलब्ध उत्पाद जैसे भूसा का समुचित उपयोग हो जाता है। फार्म पर जितने भी उत्पाद बन रहे हैं, फसल से जो उपयोग हमें भूसा मिल रहा है उसका उपयोग हम किस लिए करेंगे, पशुओं के लिए, ठीक है। श्रमिकों का संतुलन वर्ष भर बना रहता है, मतलब हमारे पास साल भर के लिए हमारे पास श्रमिक अवेलेबल हो जाते हैं। कृषि व्यवसाय की असमानताएं घट जाती है, मतलब आप खेती करने के लिए मान लीजिए कि हम आपने पैसा लगाया और पैसा डूब गया, तो हमारी जो असमानताएं होती है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, हम कहीं ना कहीं से हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है उसको संभाल लेते हैं। अगला है, किसान को रोजाना आय प्राप्त होती है और बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाती है। रोजाना आय कैसे, आप फसल जो उगा रहे हैं, फसल तो आपकी हो सकता है कि वार्षिक या अर्धवार्षिक या जैसी भी हो, 3 महीने में आपकी फसल आती हो, 6 महीने में आती हो, जो भी है, लेकिन पशुओं के होने के कारण आप उस फसल को उसके साथ अलग से आय को प्राप्त कर सकते हैं, उसको अपनी फसल के लिए उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगला है, आय के विविध साधन उपलब्ध होने से कृषक की आर्थिक स्थिति, जो अभी समझाया है कि अलग अलग साधन जो हमारे पास उपलब्ध है तो हमारी जो आय है वो भी अलग अलग स्रोतों से होने लगती है और हमें फायदा होता है, ठीक। तो फिर इससे नुकसान क्या है, मिश्रित खेती से हानियां। पहला है, मिश्रित खेती के लिए अधिक धन और सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
सीधी सी बात है कि जब अगर आप पशुपालन करने जाएंगे तो आपको और अधिक धन की या पूंजी की आवश्यकता होगी। दूसरा, प्रबंधन पर कार्यभार अधिक रहता है। अगर आपने मिश्रित खेती शुरू की है तो आपके ऊपर एक भार और होगा कि आपको प्रबंधन करना, संभालना आवश्यक है, पशुओं का ध्यान रखना, देखरेख करना, उसके लिए आपको समय देना आवश्यक होता है। और लास्ट है, एक ही साथ कई कार्यों के संपादन हेतु श्रमिकों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आप एक साथ कृषि और पशु दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं तो आपको मजदूरों की आवश्यकता होगी। अगर मजदूर अवेलेबल नहीं हुए तो इसमें नुकसान हो सकता है। ये इसकी हानियां हैं। अब अगला है सिंचित खेती। सिंचित खेती क्या होगी? सिंचित खेती भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग ये सिंचित खेती होता है। कुल भारत का 30% क्या होता है इसमें कि जब हम मौसम पर निर्भर ना होकर कुएं, नलकूप, नदियों, तालाब आदि से हमारी खेती करने लगते हैं तो उसे हम कहेंगे सिंचित खेती। ठीक है, सिंचित खेती के गुण क्या है कि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, हमें वर्षा पर निर्भर नहीं होना पड़ता और हमारी खेती आसानी से हो जाती है। समय पर हम जब चाहें तब हमारी फसल को उगा सकते हैं। हमें ऊपर के पानी की आवश्यकता, उस पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम होती है। होती जरूर है, हम निर्भर तो होते हैं लेकिन बहुत कम हो जाती है क्योंकि हम उसमें स्टोर पानी का यूज कर रहे हैं। दूसरा, फसल उत्पादन के लिए भूमि का उपयोग वर्ष भर किया जाता है। हम साल भर बीच में कभी हमें भूमि छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती कि यार पानी नहीं है, भूमि पर पानी नहीं गिरा या जब हमारे पास जमीन के लिए पानी नहीं है तो हम फसल नहीं कर पा रहे। हम वर्ष भर फसल उगा सकते हैं, वर्ष भर उस खेती का उपयोग कर सकते हैं। अगला है, व्यावसायिक स्तर पर कृषि संभव है। मतलब हम ऐसी खेती कर सकते हैं जिसके जरिए हम अपना व्यवसाय वर्ष भर चला सकें, इसलिए व्यावसायिक स्तर पर भी हम कृषि को आसानी से कर पाते हैं। अब इससे हानियां क्या है? पहला, अत्यधिक भू जल दोहन से वाटर लेवल नीचे गिरता जा रहा है। हम जितना ज्यादा जमीन से पानी को खींचेंगे, नलकूप नदियों से या तालाबों से या कुओं से, तो जितना ज्यादा पानी खींचेंगे उतना जमीन में वाटर लेवल, पानी का स्तर गिरता चला जा रहा है, पहला नुकसान। और दूसरा है, सिंचित क्षेत्रों में लवणता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सिंचित क्षेत्र मतलब जहां हम पानी खेतों में पहुंचा रहे हैं, ऐसे इलाकों में लवण की समस्या, जहां पानी इकट्ठे हो जाता है वहां पर लवण बनने लगते हैं और उससे फसल बर्बाद होने लगती है। तो जहां ज्यादा सिंचाई हो जाती है, ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहां लवण की मात्रा बढ़ने लगती है जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक, ये था सिंचित खेती। अगला है रेंचिंग खेती। रेंचिंग खेती क्या होगा? रेंचिंग खेती से तात्पर्य उस कृषि कार्य से है जिससे खेत में प्राकृतिक रूप से वनस्पतियों को उगने दिया जाता है तथा उनका उपयोग पशु चारण के लिए किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े जो चारागाह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेंचिंग खेती। मतलब ऐसे बड़े बड़े इलाके, बड़े बड़े कृषि क्षेत्र जिनमें हमने फसलों को उनके हिसाब से उगने दिया, वनस्पतियां जो उग रही है, जो घास उग रही है, जो उग रहा है सब उगने दो, और उनको हम किस लिए उपयोग कर रहे हैं? पशुओं के चलने के लिए। उनकी फसल जो हमने उगाई वो किसके लिए उगाई? हमने पशुपालन के लिए। तो ये हमारे लिए फायदेमंद क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं हम किस लिए कर रहे हैं? पशुपालन के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे भारत में बहुत कम यूज होती है। बात करते हैं इसके क्या क्या गुण है। पहला, भूमि की उर्वरकता बरकरार रहती है क्योंकि पशु चारण करते समय पशु उसमें मलमूत्र या जीवांश खाद डाल देते हैं। मतलब जब हम पशुपालन कर रहे हों और उसके लिए हमने रेंचिंग का यूज़ किया है तो वो हमें क्या प्रॉब्लम, हमारी क्या प्रॉब्लम, समस्या ख़त्म कर देगा कि हमारे जो खेती है उसमें खाद प्रोवाइड हो जाता है फसलों के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है हमारी ज़मीन के लिए। ठीक। और अगला है, खेती में कोई लागत नहीं लगती परंतु पशु व्यवसाय से पर्याप्त लाभ हो जाता है। हम खेती में तो कुछ पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ उगने दे रहे हैं वनस्पतियाँ, तो उसमें ना तो हम लागत लगा रहे हैं ना हम उससे कुछ फायदा है, लेकिन उसके जरिए हम पशुपालन जो कर रहे हैं उससे हमें लाभ मिलता है। अब इससे हानि क्या होती है? पहला, उत्पादित फसल की गुणवत्ता निश्चित नहीं होती। अगर उसमें कोई फसल उगाई है या कोई फसल उग रही है तो उसकी कोई गुणवत्ता नहीं होती। दूसरा, व्यावसायिक तरीके से फसल उत्पादन संभव नहीं है। मतलब आप व्यवसाय के तौर पर अगर फसल उगाना चाह रहे हैं तो वो संभव नहीं होता है। ठीक। अब लास्ट जो आपका टॉपिक है, जैविक खेती। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा यूज होने लगा है आजकल, वो है जैविक खेती। क्या होता है?
जैविक खेती में जैसे इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें लिखी हुई कि पिछले कई दशकों में इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, हमारे यहाँ कितनी परियोजनाएं हैं, कितनी चीजें यूज हो रही है, ठीक है। इसमें जैविक खेती की जरूरत क्यों है, हमें सबसे पहले ये पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, मृदा की दीर्घकालीन उर्वरकता बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ कार्बनिक खादों के मिश्रण का समेकित उपयोग अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि सिंचित क्षेत्रों में लगातार रसायनों पर आधारित सघन खेती से भूमि का उपजाऊपन धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो जैविक खेती की जरूरत क्यों है कि हम जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं हमारी खेती में, रसायन यूज कर रहे हैं, उससे हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है। उस उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए अब हमें जैविक खेती करने की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि इसमें कीटनाशक जो हम यूज कर रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज जो हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रही हो, उनका उपयोग हम यहाँ नहीं करते हैं, रसायनों का उपयोग हम हमारे खेतों में नहीं करते हैं। अब जैविक खेती के सिद्धांत क्या क्या हैं, क्या क्या होते हैं इसमें। पहला, खेती के लिए हर संभव प्राकृतिक संसाधन का अधिकतम उपयोग किया जाता है। जितने भी संसाधन यहाँ अवेलेबल है उन सारे संसाधनों का उपयोग हम जैविक खेती में करते हैं। दूसरा, भूमि का आवश्यक तथा जीवंत उपयोग, हम भूमि का जो उपयोग कर रहे हैं वो जीवन पूरे जीवन भर के लिए उसको उपयोग करने वाले हैं, उसमें कोई हमारे अनुपजाऊपन की क्रिया नहीं होने देंगे। अगला है, प्राकृतिक सूझबूझ पर आधारित कर्षण क्रियाएं, मतलब हम प्रकृति पर आधारित कुछ क्रियाएं होने देते हैं जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और हमारी फसल भी अच्छी रहे। अगला है, जैविक प्रणाली पर आधारित सिंचाई, जल, फसल सुरक्षा एवं पोषण प्रबंधन। सिंचाई करना या फसलों में सुधार करना, ये सारी क्रियाएं हम सिर्फ किस आधार पर कर रहे हैं कि हमारी जो फसल है वो जैविक प्रणाली के आधार पर हो, उसमें कोई रसायन उपयोग ना हुआ हो, ठीक है। अगला है, पर्यावरण मित्रवत प्रौद्योगिकी अपनाकर अधिकतम उत्पादन करना। हम ऐसी तरीके अपनाते हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हों, पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाते हो, ऐसे तरीकों का उपयोग जैविक खेती में करते हैं। अगला है, भूमि में टिकाऊ उर्वरकता एवं उचित पोषण आधारित खाद्य उत्पादन करो। ऐसे खादों का उपयोग करते हैं जो भूमि में उर्वरकता को बनाए रखते हैं। अब जैविक खेती के सिद्धांत के बाद है जैविक खेती के उद्देश्य, हम ये करेंगे तो हमें क्या क्या मिलना चाहिए। तो पहला, प्राकृतिक तंत्रों के दोषपूर्ण दोहन के बजाय उनका मित्रवत उपयोग करना चाहिए। पहला उद्देश्य इसकी क्या, ये इसलिए बनाया गया है कि हम पर्यावरण को देखकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खेती कर सकें। अगला है, उच्च गुणवत्ता वाले भोजन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन। हम जो आजकल भोजन कर रहे हैं उसमें केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा है और वह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो हम जैविक खेती के जरिए ऐसी फसल उगाना चाहते हैं जो जिसमें पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाला भोजन हमें मिल सके। अगला है, मृदा की दीर्घकालीन उर्वरकता में वृद्धि तथा उसे टिकाऊ बनाना। मृदा की दीर्घकालीन उर्वरकता में वृद्धि मतलब जो हमारी मिट्टी है उसकी उर्वरकता कैसी हो जानी चाहिए, दीर्घकालीन होनी चाहिए, वो हमेशा उपजाऊ बनी रहे। अगला है, सूक्ष्म जीवों और पौधों से संबंधित कृषि प्रणाली का उपयोग करना, ठीक, पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना, उत्पन्न प्रदूषण को निम्न स्तर पर करने का प्रयास, जो भी प्रदूषण हो रहा है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। फिर ऊर्जा के नवीन स्रोतों का उपयोग करते हैं, नए नए जो स्रोत हैं ऊर्जा के उनका उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं और पर्यावरण के साथ साथ पर्याप्त उपज भी प्राप्त करेंगे। हम पर्यावरण की रक्षा तो कर ही रहे हैं जैविक खेती से, साथ में अच्छी उपज भी हमें मिल पाती है, ठीक। अब जैविक खेती में क्या क्या बाधाएं आती हैं, तो लिखा हुआ है, आज के युग में सर्वविधित अत्यधिक रसायनों के उपयोग से फसलों की गुणवत्ता में कमी आई है, साथ ही टिकाऊपन भी नहीं रहा है। हम केमिकल का यूज करते हैं तो हमारी फसल भूमि में उर्वरकता कम हो जाती है। तो आधुनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती अपनाने के लिए किसान तैयार नहीं हो रहे हैं, उन्हें ये डर होता है कि हमारी फसल का प्रति हेक्टेयर का जो उत्पादन है वो कम ना हो जाए, इसलिए जो जैविक खेती। दूसरा एक कारण बताते हैं कि जैविक खेती को करने के लिए हम जैविक खाद कहाँ से लाएं, जैविक खाद की आपूर्ति कहाँ से करें, तो फिर भी किसान बायोगैस संयंत्र से निकली स्लरी, गोबर की खाद और इन सब का उपयोग कर रहा है फसल उत्पादन के लिए, जो जैविक खेती की कोई नई पद्धति नहीं है, किसान इसे यूज कर पा रहे हैं।
पर हमारे यहाँ के किसान जैविक खेती में जो अपनी सहमति नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें जैविक खेती के लिए जैविक खाद की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति वो नहीं कर पाते। ठीक, अब अगला है जैविक पदार्थ कहाँ से मिलेंगे। जब हम पशुपालन करते हैं तो हमें कहाँ से मिलेगा जैविक पदार्थ, पशुओं से। ठीक, आपका अगला टॉपिक है जैविक खेती का महत्व। जैविक खेती का महत्व क्या है? पहला, हरित क्रांति की सूत्रधार फसलों जैसे गेहूं धान के अधिकतम उत्पादन के लिए अपनाई गई रासायनिक पद्धति के दुष्परिणाम हाल के कुछ वर्षों में दृष्टिगत होने लगे हैं। इन फसलों के अधिकतम उत्पादन के कारण हमारे जल संसाधन और भूमि अनुसंधान दोहन, जिस कारण भूमि का जल स्तर भी कम हो रहा है और मृदा की उर्वरक क्षमता भी कम होती जा रही है। तो इसके लिए जो खेती है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। पहला जो महत्व है, क्यों जरूरी है, कि हरित क्रांति के बाद नई नई चीज़ें अपनाई गई थी जिससे हमें गेहूं धान बहुत सारी चीज़ें फसलें उगाने लगे। एक ही प्रकार की फसल को बार बार उगाने से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो गई है, तो उसे पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, जैविक खेती। दूसरा महत्व है, रासायनिक उर्वरक के दीर्घकालीन प्रयोग के परिणाम भी यह दर्शाते हैं कि बिना जीवांश खाद और कार्बनिक पदार्थों के केवल रासायनिक उर्वरक के आधार पर फसल की अधिकतम उपज को लगातार बनाए रखना संभव नहीं है। हम आजकल जो रसायन उपयोग कर रहे हैं उससे हम सोचते हैं कि हमारी फसल का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन समय के साथ साथ अब भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। तो ये जो हम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग अब हमें बंद करके किसका उपयोग करना होगा, जैविक खेती का। अगला है, कृषि निर्यात के लिए जो WTO एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, उन्होंने नीति बनाई है, उसके चलते हमें गेहूं धान मसाले और फल इनको निर्यात करना है। तो उसकी मांग होती है, हम यहाँ से जब बेचते हैं तो उसकी मांग बढ़ती जाती है, तो उस मांग को पूरा करने के लिए हमें फसल उगानी होगी और उसके नियमों के अनुसार उसमें जो तत्व जैसे पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स इनकी मात्रा जो है कम से कम होनी चाहिए, तो उसके लिए भी जैविक खेती की आवश्यकता होती है। अगला है, बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धा के युग में कृषि उपज को लागत प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे हमारे प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है देशों में, तो अगर हम लागत हमारी अच्छी हो, लागत प्रभावी हो और हमें फसल से उत्पादन अच्छा मिल रहा हो, तो हम उस प्रतिस्पर्धा में देशों में आगे जा पाएंगे। इसलिए हमें जैविक खेती की आवश्यकता होती है। और भी इसके कुछ पॉइंट है जो आप पढ़ लें। नेक्स्ट, खेती की मुख्य प्रणालियाँ। जैविक खेती यहाँ खत्म हो चुका है, ये खेती के प्रकार खत्म हो गए। लास्ट टॉपिक है खेती की मुख्य प्रणालियाँ। खेती की मुख्य प्रणालियों में पहला है व्यक्तिगत खेती, दूसरा सामूहिक खेती, मतलब किस किस प्रकार से आप खेती कर सकते हैं। पहला व्यक्तिगत खेती क्या होगा, जिसमें भूमि का स्वामित्व हमारा होगा, हम खुद कार्य करेंगे और हम खुद फसल का उत्पादन करके उससे लाभ प्राप्त करेंगे। सामूहिक खेती क्या होता है, कि जितने भी सदस्य हैं सभी मिलकर पशुधन, संसाधन, जमीन, इन सब का उपयोग करके अपनी खेती को करते हैं। फिर सहकारी खेती क्या होगा, जिसमें सामूहिक तौर पर ऐच्छिक आधार पर ये साधन इकट्ठे किए जाते हैं और किसान अपनी भूमि का खुद तो स्वामित्व होता है, खुद का मालिक होता है, लेकिन उसमें दूसरे समूह के लोगों का भी उपयोग करके खेती को पूरा कर सकता है। फिर इसके बाद है सरकारी खेती। क्या होगा, कोई सरकारी अधिकारियों द्वारा या साप्ताहिक या मासिक मजदूरी पर मजदूरों को रखकर उस फसल को उगाया जाता है सरकारी खेती में, उसे हम सरकारी खेती कहेंगे। अगला है पूंजीवादी खेती। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इस प्रकार की खेती में भूमि के स्वामी द्वारा पूंजी लगाकर खेती करवाई जाती है। जो भूमि का स्वामी होगा वो खेती करवाएगा और खेती का प्रबंधन जो मैनेजर है वो वेतन देकर कराया जाता है। मतलब इसमें जो खेती है वो किसी को दे दी गई है, उसे पूंजी दे दी जा, पूंजी जो है वो तो मालिक लगा रहा है लेकिन खेती कोई और कर रहा है, और जो खेती कर रहा है उसे वेतन दे दिया जाता है और उसका जो लाभ है वो किसे मिल जाएगा, खेती के मालिक को। इस तरीके से आपके जो खेती के प्रकार हैं वो आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू क्लास।